नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है गणेश चतुर्थी और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चार चैनल की तरफ से अपडेट आ रही है। जी अनमोल सिनेमा की तरफ से, स्टार उत्सव की तरफ से, सोनी वाह की तरफ से, गोल्ड माइंस चैनल की तरफ से और इसी के साथ एशिया कप के बारे में भी अपडेट है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन आल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डेडे फिडिस के दर्शकों के लिए गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अच्छी अच्छी मूवी सभी चैनल्स पे आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अनमोल सिनेमा की। तो जी अनमोल सिनेमा की रजनीकांत की रोबोट वाली फिल्म जो है 2.0 शाम को 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें रजनीकांत रोबोट की भूमिका में है और अक्षय कुमार भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्टार उत्सव मूवी की। तो स्टार उत्सव मूवी पर भी गोलमाल अगेन शाम को 7 बजे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सोनी वाह चैनल की। तो सोनी वाह चैनल पर भी टीवी पर पहली बार सोनी वाह चैनल गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में लेके आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ये मूवी दिखाया जा रहा है। बारात कंपनी शाम को 4 बजे सोनी वाह चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। टीवी पर सोनी वाह चैनल पहली बार लेके आया है, अभी तक ये किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड माइंस चैनल की। गोल्ड माइंस चैनल पर रात 8 बजे सर नायडू मूवी आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी और उसके तुरंत बाद रात 10 बजे एक और मूवी है सन ऑफ सत्यमूर्ति 2 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं एशिया कप की। एशिया कप, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एशिया कप का लाइव प्रसारण डीडी फ्रीडिस पर और डीडी स्पोर्ट चैनल पर आपको देखने को मिल जा रहा है, जबकि बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फ्री में देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि डीडी फ्रीड के दर्शकों को ये फ्री में देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों आज इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच है जो शाम को 7 बजे आप सभी लोगों को डीडी स्पोर्ट चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके पहले दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वो भी आप सभी लोगों को डीडी स्पोर्ट चैनल पर देखने को मिला था और वो मैच काफ़ी जो है रोमांचक रहा है, काफ़ी कांटे की मैच रहा। इंडिया ने वहाँ पर मैच जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान ने भी काफ़ी उसमें संघर्ष किया, काफ़ी अच्छा खेला है और लास्ट में इंडिया ने मैच जीत लिया। तो दोस्तों ये अपडेट थी डीडी फ्रीडिस के दर्शकों के लिए। अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।